है अरुण भारती को पहली बार सांसद बने हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम सांसद बन गए, किसी से भी टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं, वो लग रहा है कि उनको प्रधानमंत्री ही जैसे बन गए। ये स्पष्ट बात हम लोगों ने रखा था कि आपका वहाँ पर नहीं आना गठबंधन को कमजोर करता है। क्या ये बात गलत थी? उठना चाहिए सवाल, तो उठना चाहिए, ये बात तो गलत नहीं थी, ये तो जायज प्रश्न था। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है? वो सीधा लैंड होकर के अगर आपको टिकट मिल जाए और आप जो है चुनाव लड़ जाए और जीत जाए और जीतने का जो गुमान है इतना सर चढ़ के बोलने लगे, ये जो है कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि बहुत जल्द इनका पतन भी होगा। आपके पिताजी के साथ मेरे पिताजी का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा मधुर रिश्ता हुआ करता था, क्योंकि उस तरीके से इज्जत और सम्मान दिया जाता था। अगर आप सम्मान में कमी दिखाइएगा तो रिश्ते तो टूटेंगे ही, गठबंधन का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि गठबंधन के फोरम पे उस दिन मीटिंग हुआ, आप सभी ने देखा कि मतलब हर एनडीए के मीटिंग में अगर कोई एक चेहरा गायब होता है तो वो चिराग पासवान का चेहरा होता है, हर मीटिंग में शायद ही कभी आते हैं, शायद ही उपस्थिति देते हैं। तो ये जो पिक एंड चूज की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं होती है। और अगर आप विफल रहिएगा तो प्रश्न तो उठेंगे, और जब प्रश्न उठेंगे और उसके बाद अगर बौखलाहट है तो बौखलाते वही लोग हैं जो गलत होते हैं। द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बृजू सिंह। बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव परिणाम के बाद एनडीए के नेता गदगद है, क्योंकि 4 की 4 सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत हो गई। लेकिन इसी के साथ एक सवाल जो हम भी कई बार किए, आनंद मोहन कब से खड़ा किया गया और कहा गया कि चिराग पासवान पासवानों के अगर नेता है तो फिर इमामगंज में पासवानों का वोट जीतन राम मांझी को क्यों नहीं मिला, जिसके बाद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आनंद मोहन पर सवाल खड़ा किया गया। चिराग पासवान ने खुद कहा कि उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की कृपा पर बाहर आ है। मेरे साथ आनंद मोहन जी के बेटे विधायक चेतनानंद जी है। चिराग पासवान जी का बयान आपने सुना कि नीतीश कुमार की कृपा पर बाहर आए हैं, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं देखिए, ये तो इमेच्योर कहेंगे कि उनके द्वारा जो भी बोला गया बड़ा इमेच्योर, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप इतने दिन से एमपी हैं, इतने दिन से आपको अच्छा खासा राजनीति का जो है ज्ञान होना चाहिए। लेकिन खैर, जो भी बोली गई उसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्रश्न जो है, जहां पर आप शिवहर नहीं आते हैं, 3 बार हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम बनता है, हेलीपैड बनता है, उसके बाद आप शिवहर नहीं आते हैं, क्या आपको राजपूतों का वोट नहीं चाहिए था उस समय? आपको राजपूतों का वोट जब मिला तो आपका भी कोई फर्ज होता था कि आपको आकर के शिवहर में भी जो है अपना एक मैसेज देना था, लेकिन आपने मैसेज के विपरीत मतलब कुछ और मैसेज देने का काम किया। और वही चीज मैं बताता हूं कि इधर भी इमामगंज में, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है? अगर वो भी दलित हैं और उनको जो है आपके द्वारा इग्नोर किया गया, और इस बात पे आनंद मोहन जी ने एक प्रश्न उठाया कि जब आप एनडीए के पार्ट है, एनडीए के हिस्सा है, और उधर प्रोग्राम जो है आप कंफर्म नहीं करते हैं, उधर आपके वोट जो है, आपके पार्टी के लोग जो है वो कहीं और वर्क कर रहे थे, किसी और के लिए काम कर रहे थे, तो ये चेक एंड बैलेंस भी एक पार्टी के लीडर का काम होता है जो आप करने में विफल रहे। और अगर आप विफल रहिएगा तो प्रश्न तो उठेंगे, और जब प्रश्न उठेंगे और उसके बाद अगर बौखलाहट है तो बौखलाते वही लोग हैं जो गलत होते हैं। शिवहर में हमने देखा था कि चिराग पासवान का कार्यक्रम तय हुआ, कहा गया कि चिराग जी का रोड शो है, चिराग जी का कार्यक्रम है, अचानक से कैंसिल हो गया। आप लोग क्या समझ पाए आखिर क्यों चिराग पासवान शिवहर क्यों नहीं गए, क्योंकि जेडीयू वहां चुनाव लड़ रही थी, लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी। नहीं, ये पिक एंड चूज की राजनीति जो ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है किसी गठबंधन के लिए। आप पिक एंड चूज अपने फैंटेसीज के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, आप गठबंधन धर्म को पालन कीजिए। ये गठबंधन के सभी लोग के मन में कहीं ना कहीं अंदर अंदर आता है, वो अलग बात है कि मेरे पिताजी सामने बात रख दिए हैं, और जब ये बात रखी गई है, जायज बात है, तो इस पे बात होनी चाहिए कि आप कि अगर एनडीए के पार्ट हैं तो स्पष्ट करें, अगर हैं तो हर जगह जाएं, जहां पर एनडीए के उम्मीदवारों को आपकी जरूरत है वहां पर जाना आपका फर्ज है, आपका धर्म है।
ये गठबंधन धर्म आपको सिखाता है कि हर जगह उधर आपको जाना होगा, और अगर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म के साथ आप जो है नाइंसाफी कर रहे हैं और किसी ना किसी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि भाई आप पासवानों पर किसी जाति पर बोल रहे हैं तो याद रखिए कि आपके परिवार के लोग भी राजनीति में हैं। क्या चीज के, तो आप भी राजनीति में हैं। अगर आप, आपको राजपूतों का वोट नहीं चाहिए, आपको हेल्प नहीं चाहिए, आपको माझी जी का वोट नहीं चाहिए, तो स्पष्ट कर दीजिए ना, आप भी तो राजनीति में हैं। आप दो जगह इग्नोर करके जाते हैं बहुत, और दो नहीं, ये अनेकों जगह हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से ये जो है मतलब पॉलिटिकल जो एक तरीका होता है उसके हट करके ये जो है काम करने का काम किए हैं, और उस सब पे अगर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और उस पे अगर जवाब नहीं आएगा, प्रश्न तो उठा दिया गया है, जवाब देना इनका काम है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप सीधा बताइए कि आप एनडीए में हैं और एनडीए में रहते हुए माझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए, एनडीए में रहते हुए शिवहर चुनाव में क्यों नहीं आए। मतलब पार्टी फोरम पर, गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर इन बातों की चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन के फोरम पे उस दिन मीटिंग हुआ, आप सभी ने देखा कि मतलब हर एनडीए के मीटिंग में अगर कोई एक चेहरा गायब होता है तो वो चिराग पासवान का चेहरा होता है हर मीटिंग में, शायद ही कभी आते हैं, शायद ही उपस्थिति देते हैं। तो ये जो पिक एंड चूज की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं होती है। हमने, मेरे पिताजी जब बुरे समय में भी थे तो हमारे साथ लोग थे, आज भी हैं, है ना, और किसी के पद के हिसाब से जो है वो उसका क्या कहते हैं लीडरशिप को आप वो नहीं कर सकते हैं। आपके पिताजी के साथ मेरे पिताजी का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा मधुर रिश्ता हुआ करता था, क्योंकि उस तरीके से इज्जत और सम्मान दिया जाता था। अगर आप सम्मान में कमी दिखाइएगा तो रिश्ते तो टूटेंगे ही, गठबंधन का भी कोई भरोसा नहीं। एक बयान आपने भी सुना होगा कि भाई आनंद मोहन बहुत सीरियस नहीं है, राजनेता नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भाई आनंद मोहन को लेकर कोई कहता है कि भाई वो सीरियस लोग नहीं है, उनके बयानों का जवाब नहीं देना चाहिए। चिराग पासवान के जो सांसद है जीजा जी है, अरुण भारती, उनका बयान सुना होगा। नहीं नहीं, वो जमुई में आएंगे उसके बाद देखा जाएगा, है ना, जमुई में तो अब तो उनके विधायक लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर देख ही लिया जाएगा फिर, है ना। तो आप ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिससे जो है आपका जो है नुकसान हो, है ना। ये स्पष्ट बात हम लोगों ने रखा था कि आपका वहां पर नहीं आना गठबंधन को कमजोर करता है। क्या ये बात गलत थी? उठना चाहिए सवाल, तो उठना चाहिए, ये बात तो गलत नहीं थी, ये तो जायज प्रश्न था। और जायज प्रश्न में इस तरीके का, पहली बार कोई अगर सांसद बनता है और उसका जो है सांसद होने का जो वो क्या कहते हैं आपको सर पे चढ़ जाए, तो आप देख लीजिए उसका फ्यूचर कोई बहुत बढ़िया नहीं कह सकता। लगता है अरुण भारती को पहली बार सांसद बने हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम सांसद बन गए, किसी से भी टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं, वो लग रहा है कि उनको प्रधानमंत्री ही जैसे बन गए हो। लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे, है ना। उनको सोचना चाहिए कि एक सीजनड लीडर जो लगातार आज से नहीं जेपी आंदोलन से, आनंद मोहन जी का जो बिहार के राजनीति में एक पैठ है वो उनको समझना चाहिए। हमको नहीं लगता है वो सीधा लैंड होकर के अगर आपको टिकट मिल जाए और आप जो है चुनाव लड़ जाए और जीत जाए और जीतने का जो गुमान है इतना सर चढ़ के बोलने लगे, ये जो है कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि बहुत जल्द इनका पतन भी होगा। चलिए, चिराग पासवान की पार्टी जहां जहां भी चुनाव लड़ी, चाहे वो जमुई हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, खगड़िया हो, उन सीटों पर राजपूतों का बड़ा वोट बैंक है और वो एनडीए को मिला। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, चाहे वो शिवहर की बात कर ली जाए या फिर बाई इलेक्शन इमामगंज की बात करी जाए, चिराग पासवान ने सीधे तौर पर उन सीटों पर प्रचार करने से अपने आप को रोक लिया, नहीं गए। और न सिर्फ नहीं गए बल्कि वहां का जो वोट था पासवानों का वो भी एनडीए प्रत्याशी को नहीं मिला। और यही सवाल पूर्व सांसद आनंद मोहन से खड़ा किया गया, पूछा गया कि आप एनडीए में हैं या नहीं हैं। चिराग पासवान का क्या जवाब था, उनके सांसदों का क्या जवाब था, आप लोगों ने सुन लिया। कई लोग कह रहे थे कि आनंद मोहन सीरियस नहीं है, हालांकि
आप जब वरिष्ठ नेताओं के पास बैठेंगे तो वो आपको बता दें कि भाई आनंद मोहन कौन थे, उनका कद क्या था और आज की तारीख उनका कद क्या है, नीतीश कुमार आखिर क्यों इतना आनंद मोहन को अपने करीब रखना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर ये बातें बहुत स्पष्ट है। बहरहाल चिराग पासवान के बयान, उनके सांसदों के बयान, चेतन आनंद जी ने क्या कहा, उसको लेकर आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।